हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो हम प्रथम इकाई खत्म करके द्वितीय इकाई में चैप्टर ऋजुरेखीय पथ पर गति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम निर्देश फ्रेम एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, दूरी, विस्थापन आदि का अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने गति के विषय में जाना और एक समान गति अथवा असमान गति किसे कहते हैं इसको भी हमने देखा। तो इसी निरंतरता में हम आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हैं, जिसका नाम है चाल एवं वेग। चाल एवं वेग, तो इसमें हम सबसे पहले चाल की बात करते हैं। स्पीड की बात करते हैं, तो इसके पहले जब हम दूरी और विस्थापन में देख रहे थे तो दूरी की परिभाषा को हमने देखा था कि किसी समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई संपूर्ण पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो क्या हमने दूरी के विषय पढ़ा था कि किसी समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो बस दूरी से ही संबंधित ये हमारा टॉपिक चाल है, जहां चाल में किसी समय अंतराल तय की गई पथ की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। तो वहीं पर किसी समय अंतराल न कर करके, किसी समय अंतराल न कह करके एकांक समय अंतराल कह लेंगे। तो चाल की परिभाषा बन के आती है कि एकांक समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं, ये हमारा पहला परिभाषा चाल की हुई। अब जहां एकांक समय अंतराल होती है, जहां एकांक समय अंतराल की बात करते हैं, वहां एकांक समय मात्रक लेते हैं, या कहते हैं कि एकांक सेकेंड में अथवा एकांक आवर में, या कह लें कि जब एक सेकेंड की बात आती है तो वहां पर तय की गई पथ की लंबाई का दर कहा जाता है। जैसे हम अगर हमें 10 kg अनाज का दाम ₹200 हो, तो 1 kg अनाज का दाम जब निकालते हैं
तो उसको कहते हैं कि ये अनाज का दर है, अनाज का रेट। तो इसी तरह से एक सेकंड में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम तय की गई पथ की लंबाई का दर कहते हैं। तो एक परिभाषा और बन के आती है कि समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई के दर को चाल कहते हैं। अब यहीं से पथ की लंबाई को हम दूरी भी कहते हैं, तो पथ की लंबाई के स्थान पर हम दूरी रख सकते हैं। क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर दूरी रखें तो एकांक समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, पथ की लंबाई की जगह क्या कहते हैं, दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा समय के सापेक्ष किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो या तो पथ की लंबाई लिख लीजिए या तो दूरी लिख लीजिए, ये हमारी चाल की परिभाषा बन के आती है। अब तीसरा परिभाषा इसी में कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। एक तीसरी परिभाषा, एक परिभाषा ये एकांक समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई अथवा दूरी को चाल कहते हैं। एक ये परिभाषा समय के सापेक्ष किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई की दर को चाल कहते हैं। और तीसरा किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा समय अंतराल के अनुपात को चाल कहते हैं। तो यहाँ से तय की गई दूरी तथा समय अंतराल का अनुपात चाल कहलाता है। तो यहीं से लिखेंगे कि यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समय अंतराल डेल्टा टी में तय की गई पथ की लंबाई डेल्टा एस है तो वस्तु की चाल बराबर पथ की लंबाई, इसी को आप ब्रैकेट में दूरी लिख सकते हैं, दूरी बटा
समय अंतराल, दूरी बटा समय अंतराल, ये और इसी को आप देख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय या फिर चाल को स्पीड को भी लिखते हैं भी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा एक फार्मूला बन के आ गया चाल बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसी चाल में हम एक और फिजिकल टर्मिनोलॉजी भौतिक शब्दावली औसत चाल को देखेंगे। तो आइए देखते हैं औसत चाल। औसत चाल एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा व्यवहारिक रूप से एक समान समय में एक समान दूरी नहीं चलती है। जैसे अगर कोई वाहन है तो ये प्रारंभिक 10 सेकेंड में 20 मीटर चले, प्रारंभिक 10 सेकेंड में यहां से यहां तक 20 मीटर चले, अगले 10 सेकेंड में व्यवहार में कोई आवश्यक नहीं है कि वो 20 मीटर ही चले, तो मान लेते हैं अगले 10 सेकंड में 30 मीटर चलती है। तो यहां पर अगर हमसे इस वाहन की चाल को पूछा जाए तो हम या तो ये बता दें कि पहले 10 सेकंड में 20 मीटर चली है तो पहले 10 सेकंड का चाल अलग होगा, क्या होगा पहले 10 सेकंड के लिए यहां से यहां तक के लिए दूरी बटे समय बराबर 20 बटे 10 बराबर 2 मीटर पर सेकंड, और अगले 10 सेकंड के लिए देखें तो लिखेंगे 30 बटे 10 बराबर 3 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर इसकी चाल पहले 10 सेकंड में कुछ और है, दूसरे 10 सेकंड में कुछ और है, और व्यवहार में ऐसे ही होता है, कभी वस्तुएं ज्यादा तेज चलती हैं, कभी वस्तुएं कम तेज चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल का मतलब यहां से यहां तक की संपूर्ण दूरी को देखेंगे और यहां से यहां तक चलने में संपूर्ण लगे समय को देखेंगे और उसी संपूर्ण दूरी और संपूर्ण समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। इसके पहले आप चाल के विषय में पढ़ें कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर अलग अलग स्पीड वस्तु की मिल रही है तो औसत स्पीड निकालने के लिए पूरी दूरी में पूरे समय से क्या करते हैं अनुपात देख लेते हैं, या कह लेते हैं कि पूरी दूरी और पूरे समय का अनुपात जो होता है वो औसत चाल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किसी
गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा इसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। और औसत चाल को हम भी एवरेज इस तरह से लिखते हैं और यहां पर बार लगा देते हैं इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे इसी एग्जांपल में आप देखें कि यहां पर दूरी 20 मीटर, यहां पर दूरी 30 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई 50 मीटर, और यहां का लगा समय 10 सेकंड, यहां का लगा समय 10 सेकंड, कुल समय हो गया 20 सेकंड। तो यहां पर अगर हम औसत चाल निकालना चाहें, एवरेज स्पीड निकालना चाहें, तो आप लिखेंगे भी एवरेज बराबर कुल दूरी 20 प्लस 30 बटे कुल समय 10 प्लस 10 बराबर 50 बटे 20 या कह ले 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम किसी वस्तु का औसत चाल निकालते हैं, वहां औसत चाल निकालते हैं जहां वस्तु के अलग अलग समय अंतराल में विस्थापन अलग अलग हो। यहां पर 10 सेकंड के समय अंतराल में विस्थापन 20 मीटर, यहां पर 10 सेकंड के समय अंतराल में विस्थापन 30 सेकंड, तो बराबर समय अंतराल में विस्थापन अलग अलग है, तो यहां पर चाल अलग अलग होगा। तब ऐसी स्थिति में हम औसत चाल निकालते हैं और उसमें जितनी पूरी दूरी होती है उस कुल दूरी और जितना पूरा समय लगा होता है बटे कुल समय कर लेते हैं, तो भी एवरेज निकल के आता है, औसत चाल निकल के आता है। तो यहाँ पर हम औसत चाल को देखें, आगे हम तात्क्षणिक चाल को देखेंगे। तात्क्षणिक चाल इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, तात्क्षणिक चाल इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस को देखेंगे। तो ये तात्क्षणिक तत् धन क्षण धन चार तत् धन क्षण धन चाल, तत् मतलब उस समय, तत् मतलब उस क्षण चाल। तो यहां से इसके शाब्दिक अर्थ से हम निकाल लेते हैं कि किसी क्षण, क्षण मतलब अत्यंत सूक्ष्म समय, सूक्ष्म समय अंतराल
तो अत्यंत सूक्ष्म समांतराल को लेकर के यदि हम चाल निकालें तो वो हो जाता है सूक्ष्म समय अंतराल में चाल, तत्क्षण चाल या फिर तात्कालिक चाल। तो अगर हम स्पीड को लिखते हैं, चाल को लिखते हैं दूरी बटा समय, लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, ये हमारा समय अंतराल है। इस समय अंतराल को यदि अत्यंत छोटा कर दें, इस समय अंतराल को अत्यंत छोटा कर दें, कितना छोटा कि लगभग जीरो के बराबर हो, लगभग जीरो के बराबर हो, तब जो स्पीड निकल के आता है वो तात्क्षणिक स्पीड निकल के आता है। अगर समय अंतराल लगभग जीरो के बराबर होगा तो एक क्षण भर होगा, और उस क्षण भर के लिए जब हम वस्तु की चाल निकालते हैं तो तात्क्षणिक चाल कही जाती है। तो उसको लिखेंगे आप कैसे कि यदि समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म, डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो तो उस समय अंतराल के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन के दर को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो क्या हो गया, इफ द टाइम इंटरवल इज सच दैट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी यदि समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म हो, कितना सूक्ष्म, डेल्टा टी टेंड टू जीरो, तो उस समय अंतराल के सापेक्ष दूरी में हुए परिवर्तन के दर को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो उसको लिखते कैसे हैं, फार्मूला वही होता है, तात्क्षणिक चाल बराबर जो लिखते हैं आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, चली गई दूरी बटे समय अंतराल, वही रहेगा, केवल लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यानी तात्क्षणिक चाल कम होगा उसके लिए लिमिट ये है, लिमिटेशन ये है कि डेल्टा टी टेंड टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और इसी को हम लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी, ये क्या हो गया, तात्क्षणिक चाल। तो या तो आप लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखिए, या फिर डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी जो होता है वो होता है समय के सापेक्ष दूरी का अवगम। इस डी एस अपॉन डी टी को लिखते हैं समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन। समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन जो होता है वही क्या होता है, तात्क्षणिक चाल होता है। अब बात आती है कि इस चाल स्पीड, औसत चाल एवरेज स्पीड, और तात्क्षणिक चाल
इंस्टेंटेनियस स्पीड का मात्रक क्या होता है, उसके विमीय सूत्र क्या होता है और उसकी विमाएँ क्या होती है, तो उसको देखने के लिए हम ध्यान देंगे फार्मूले पर। तो फार्मूला मिला जुलाकर सभी के लिए एक है। जैसे आप लिखते हैं स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, और एवरेज स्पीड बराबर लिखते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, और इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको तो लिखते हैं डेल्टा टी टेन टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या इसी को लिखते हैं समय अंतराल टेन टू जीरो और दूरी बटे समय अंतराल। तो इन तीनों ही फॉर्मूले में आप देख रहे हैं यहाँ भी दूरी बटे समय है, यहाँ कुल दूरी बटे कुल समय है, यहाँ भी दूरी बटे समय है। तो मात्रक निकालने के लिए दूरी का मात्रक लिख दें, समय का मात्रक लिख दें, तो हमारा स्पीड एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, चाल औसत चाल और तापक्षणिक चाल, तीनों का मात्रक निकल के आएगा। तो उपरोक्त चाल औसत चाल एवं तात्क्षणिक चाल का मात्रक जो होगा वो दूरी का मात्रक मीटर और समय अंतराल का मात्रक सेकेंड। क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड। आगे और भी मात्रक दूरी के होते हैं किलोमीटर और नीचे आवर, तब मात्रक क्या बन के आता है किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड। तो तीनों ही चाल औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, तीनों ही चाल का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड अथवा किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो इस तरह से आप चाल को देखें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब स्पीड चाल जो है दूरी और समय का अनुपात है, और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है और समय भी क्या होती है अदिश राशि होती है, तो चाल भी क्या होगी एक अदिश राशि होगी। तो अंत में यह भी लिख लेंगे कि चाल एक अदिश राशि है, चाल क्या है एक अदिश राशि है। तो क्या निकला, चाल एक अदिश राशि है, चाल औसत चाल एवं तात्क्षणिक चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड अथवा किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर हम इसके विमीय सूत्र को देखें तो चाल औसत चाल एवं तात्क्षणिक चाल का विमीय सूत्र जो होगा वो मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर लंबाई है और लंबाई को एल से लिखते हैं, समय टी है टी से लिखते हैं, तो ये तीनों ही भौतिक राशियों
का भिन्न सूत्र हो जाता है एल टी माइनस वन यानी एल वन टी माइनस वन। चूंकि भिन्न सूत्र को लिखने की परंपरा एम एल और टी तीनों में है, तो यहाँ पर अगर एम को भी जोड़ेंगे तो एम यहाँ नहीं है, तो उसके लिए एम जीरो लिखेंगे, एल वन लिखेंगे, टी माइनस वन लिखेंगे। ये हमारा भिन्न सूत्र होगा किसका, चाल का, औसत चाल का और तात्क्षणिक चाल का। और विमाएं जो होगी वो हो जाएगी जीरो वन और मन। तो यहां से हम इसकी विमा को भी देख लिए, भिन्न सूत्र को भी देख लिए। तो आज हम चाल के विषय में देखा चाल कहते किसको है, औसत चाल क्या होता है, तात्क्षणिक चाल क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का भिन्न सूत्र क्या होता है, चाल की विमाएं क्या होती हैं, और चाल एक अदिश राशि है। तो इन तथ्यों को आपने देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अथवा YouTube चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और आगे यदि हमारा वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम नए उत्साह के साथ आप लोगों के बीच फिजिक्स का नया नया तथ्य आप लोगों के बीच लेकर आते रहें। तो आज बस इतना ही, एक बार फिर आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।